हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी पे। इजी पे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है ना, एसएससी एमटीएस का एडमिट कार्ड कब होगा, और एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था, जब नोटिफिकेशन आया थी उसमें इसका टेंटेटिव डेट, यानी कि एसएससी ने अपने एग्ज़ाम कैलेंडर जो आउट किया था उसमें एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट क्या दिया था, 1 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई 2021 का, ठीक है। तो आज की डेट है हमारा 24 जून 2021, ठीक है। और टेंटेटिव यानी कि एसएससी के कैलेंडर के अनुसार कब से 1 जुलाई से पेपर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। देखिए, अब क्या एग्ज़ाम कब होगी, 1 जुलाई से होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ये सारा कुछ आपको बताते हैं। देखिए, ये सारा कुछ मेरा प्रिडिक्शन है, मेरा अनुभव है, उसके अनुसार से बता रहे हैं। देखिए, जनरली क्या होता है, जनरली पहला पॉइंट जो रीज़न क्या है मेरा एग्ज़ाम बताने के पीछे, पहला रीज़न ये है कि जनरली 14 से 15 दिन पहले, ठीक है, बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम डेट से 14 से 15 दिन पहले क्या आता है, एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। एग्ज़ाम से 14 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका एग्ज़ाम किस शहर में पड़ा है और कहाँ पड़ा है। यानी कि अगर एग्ज़ाम 1 जुलाई को होने वाला है, 1 जुलाई को अगर एग्ज़ाम होती तो आपकी 16 जून से लेकर के 17 जून के बीच में आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम आपका किस सिटी में है, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम डेट, ठीक है। इतना आपको कम से कम 14 से 15 दिन पहले आपको क्या पता होना चाहिए। एसएससी ऐसा करता है, अभी तक सभी एग्ज़ाम के लिए, कि एसएससी जब एग्ज़ाम से 14 से 15 दिन पहले आपको बता देता है, क्या बताता है, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताता है और एग्ज़ाम डेट के बारे में बताता है कि आपकी एग्ज़ाम कब है और एग्ज़ाम कहाँ है, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है एसएससी एमटीएस के बारे में, और आज 24 जून हो गया है। तो ये हम 99% ये कह सकते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2021 जुलाई में नहीं होगा, यानी कि 1 जुलाई से स्टार्ट नहीं होगा, 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट नहीं होगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक एसएससी इसके बारे में नोटिस डाला क्यों नहीं है, अभी तक एसएससी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कब हो, अब हम ये बताएं कि 1 जुलाई से एग्ज़ाम नहीं होगा, 99% 1 जुलाई से एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अब एग्ज़ाम होगा कब, तो देखिए, अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम पेंडिंग है, ठीक है, यानी कि आधा एग्ज़ाम हो चुका है, आधा एग्ज़ाम होना है, ठीक है, पेंडिंग है। तो जब एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने लगेगी तो सबसे पहले एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी एसएससी सीएचएसएल वाली, जो कि छूटा हुआ है, जो कि पेंडिंग एग्ज़ाम है, ठीक है, जो कि रह गया है, आधा शिफ्ट हो चुका है, आधा शिफ्ट नहीं है, तो सबसे पहले इसका करवाएगी। तो इसमें भी आपको 15 दिन लगेंगे एसएससी को, ठीक है। उसके बाद आपको एसएससी एमटीएस के बारे में उन्होंने एग्ज़ाम करवाएंगे, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल का, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हमको लगता है कम से कम मिनिमम 2 से 3 मंथ का टाइम अभी और लगेंगे, 2 से 3 मंथ की टाइम अभी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के कंडक्ट होने में और लगेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, तो इसका फ़ायदा उन स्टूडेंट को है जो लोग अभी जिनकी स्टडी या जिनकी प्रिपरेशन अभी उस लेवल तक नहीं हुआ है,
उस लेवल का मतलब एग्जाम लेवल तक नहीं हुआ है कि एग्जाम में हम टॉप कर सकते हैं या क्वालिफाई कर सकते हैं, उस लेवल तक अभी नहीं हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अभी आपको क्या मिल गया है, टाइम मिल गया है, अभी आप टाइम मिल गया है और आप अपने प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं और एग्ज़ाम के लेवल तक क्वालिफाई करने का या टॉप करने के तक लेवल तक आप एग्ज़ाम को ला सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को आप उस बात को कहते हैं कि जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिनकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो चुका है 100%, वो बच्चा क्या करें, वो बस रिविज़न करते रहें ताकि एग्ज़ाम जब भी होगा तो और बेहतर स्कोर, जैसे अगर आप आज की डेट में वो 85+ मार्क्स ला रहे हैं तो जब एग्ज़ाम 2 महीना बाद होगा तो 90+ एग्ज़ाम लाएँ, 90+ मार्क्स लाएँ। ठीक है, तो जो बच्चा के तैयारी नहीं, हाँ इससे ये होगा, ऑब्वियस होगा कि आपका कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, कट ऑफ आपका हाई जाएगा, कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ये होगा। एग्ज़ाम डिले होने से क्या होगा कि जिस बच्चों को तैयारी नहीं हुई वो भी फाइट करेंगे, और जिनका तैयारी अच्छी तरीके से हो गया है, सोचिए कि जो 85% के 85 मार्क्स लाने की जिनकी तैयारी हो गई है, उनको 2 महीना और टाइम मिल गया, वो 90+ मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, तो कट ऑफ आपका बढ़ेगा, जैसा कि मेरा मानना है। ठीक है, तो अभी तक ऐसे, आज 24 जून हो गया है, 24 जून हो गया है और अभी तक SSC कोई भी SSC MTS के बारे में SSC ने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो आप लोग के पास अभी 2 से 3 मंथ हैं, आराम से तैयारी करिए और हमारे चैनल पे मैथ और रीजनिंग की तैयारी चल ही रही है, तो आप लोग उसको अटेंड करिए क्लास को। ठीक है, और वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर भी, आपको कल से प्रीवियस ईयर भी आपका शुरू हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर भी जो बच्चों नहीं बनाए हो बनाइए और तैयारी हमारे साथ करिए रीजनिंग और मैथ की, बहुत ही बेहतरीन, आपका 50 से 50 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए।